गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आपने अपना ये लेसन वन रीड कर चुके हैं, इसके क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, आपने शब्द अर्थ भी कर लिए हैं। जिसने नहीं किया बच्चे, वो पीडीएफ आपके पास पहुंच रही होगी, उसमें देख के कर लीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहे हैं तो बाद में आपको समझा दिए जाएंगे। अब आपको जो काम करवाया जा रहा है उसको ध्यान से करें, क्योंकि उसको ध्यान से करेंगे तभी समझ आएगा। आगे है, अब यह है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। ये आपको कविता दी गई है, इसी में से ये लाइनें दी गई हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है, रोज सवेरे चिड़िया आती। रोज सवेरे चिड़िया आती है तो क्या करती है, चींची की आवाज लगाती। फिर आगे है, देखो देखो सूरज निकल गया है, धूप द्वार पर तुम्हें बुलाती, आओ चलो दूर तक ठहले, खुली हवा में पल भर रह ले, किरणों से कुछ उनका सुन ले, फूलों से कुछ अपना कह ले। उसके बाद आपको पेज नंबर 40 निकालिए, इसमें आप दिए गए हैं सही शब्दों के साथ जोड़े मिलाइए, मतलब मैचिंग करनी है। जैसे चिड़िया, खुली हवा, नदी का मुहाना, सुबह जल्दी उठने वाला, किरणों से, फूलों से, ये जो शब्द दिए गए हैं इधर वे लाइन्स के साथ मैच करने हैं। अब ये देखना किसके साथ क्या मैच होगा। पहले हम इन लाइन्स को अच्छे से रीड करते हैं। ताजगी से भरी होती है, सभी को सुबह उठाती है, सुबह का हर सुख प्राप्त करता है, सुबह को बहुत शांत होता है, कुछ अपनी बातें कह लें, कुछ उनका हाल चाल जान लें। अब आपने ये सारी लाइन रीड कर ली, आपको पता चल गया है। अब चिड़िया, चिड़िया क्या है, सभी को सुबह उठाती है, अपनी चींची की आवाज से सभी को उठा देती है। खुली हवा, खुली हवा ताजगी से भरी होती है। नदी का मुहाना सुबह को बहुत शांत होता है। सुबह जल्दी उठने वाला सुबह का हर सुख प्राप्त करता है। जो सुबह जल्दी उठता है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, वो रात को जल्दी सोएगा, कभी बीमार नहीं होगा, इसलिए उसको हर सुख मिलेगा। किरणों से, किरणों से कुछ उनका हाल चाल जान लो, फूलों से है कुछ अपनी बातें कह लें। इनको इन लाइनों से मैच कर देना। ये आपका बुक वर्क है, ये आप मैचिंग करके इसकी फोटो मुझे सेंड करना।